एक्चुअली क्या है ये अलजेब्रा है, तो एक तो बेसिक अलजेब्रा हम लोग अंडर मैट्रिकुलेशन देखते हैं, तो ये लीनियर अलजेब्रा क्या है? तो ऐसे कितने सारे चीज़ होते हैं, जैसे आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है और मैट्रिक्स अलजेब्रा हो सकता है, तो उसी तरह का एक नया टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली हम लोग अगर रिंग थ्योरी पढ़े हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते हैं बैचलर्स में, तो वहाँ एक रिंग थ्योरी होता है, ग्रुप थ्योरी होता है, ठीक है? तो उसी का एक लेकर हम लोग देखते हैं कि एक रिंग एक स्ट्रक्चर होता है, रिंग इज एन स्ट्रक्चर, जैसे ग्रुप इज ए स्ट्रक्चर, तो रिंग इज ऑल्सो एन स्ट्रक्चर। जैसे आप देखो ये ग्रुप है, ग्रुप होता है इज डिफाइंड ओवर वन ऑपरेटर। सिमिलरली ए रिंग इज डिफाइंड ओवर टू ऑपरेटर्स, रिंग को हमेशा हम दो ऑपरेटर पे डिफाइन करते हैं, ठीक है? जिसमें ऑपरेटर इन द सेंस कि आप बोलो कि जैसे रिंग में ग्रुप में अगर दो एलिमेंट है तो उसको हम ए स्टार बी से डिनोट करते हैं, ठीक है? कोई एलिमेंट का अगर प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट इन द सेंस इट्स ऑल्सो एन ऑपरेटर, प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑपरेटर प्लस ई ऑपरेटर, सो इट इज जनरल ऑपरेटर ए स्टार बी। तो सेम वे रिंग के अंदर में दो दो ऑपरेटर होगा, समझ रहे बात? ऐसे देखिए ए डॉट बी स्टार सी डॉट डी, है ना? तो जैसे ए डॉट बी एक ऑपरेटर हो गया, एक ऑपरेटर से ये क्लब करके कुछ आया ए डॉट बी, उसी तरह सी डॉट डी कुछ एक डॉट ऑपरेशन से ऑपरेटर से ऑपरेट होकर कुछ एक एलिमेंट बना रहा है, वो एलिमेंट कैसा है उसको देखा जाएगा, फिर किस टाइप का ए बी सी डी है, अगर वो इंटीजर्स होगा, अगर हमारा ऑपरेटर डॉट है तो वो गुना हो जाएगा, है ना? फिर ये एक न्यू ऑपरेटर है। तो इन द सेंस अब अभी तो रिंग थ्योरी में हम नहीं जा सकते, उसका एक अलग लेक्चर लेंगे, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी ये सब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का चीज है। तो वहां से जो रिंग पढ़ते हैं, तो रिंग पढ़ने के बाद हमारा आता है फील्ड, समझ रहे हैं? रिंग के बाद होता है फील्ड। फील्ड है कि दोनों ऑपरेटर जो है सो अपने आप में एक्चुअली वो रिंग फॉर्म कर रहा है। रिंग का कितना प्रॉपर्टीज होता है, रिंग कैसे फॉर्म करता है, उन सब चीजों को अभी नहीं करना है, उनके लिए हमारा जो चीज है सो रहेगा मॉडर्न अलजेब्रा, उनके लिए होगा मॉडर्न अलजेब्रा चाहे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इन चीजों को हम बाद में देखेंगे। यहाँ चीज आ जाता है फील्ड, यहीं से फिर वेक्टर स्पेस स्टार्ट होगा, रिंग में फील्ड आता है, रिंग के बाद हम फील्ड किसी स्ट्रक्चर को प्रूव कर सकते हैं, और कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि फील्ड आने के बाद हमारा लीनियर अलजेब्रा का जो टॉपिक है सो स्टार्ट होता है। जैसे देखिए कि लीनियर अलजेब्रा में आप बोल सकते हैं कि दो ऑपरेटर का ये भी केस है ना? लीनियर अलजेब्रा इज डिफाइंड ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स, राइट ना? जैसे वेक्टर स्पेस जो है, तो अब लीनियर अलजेब्रा कैसे है, लीनियर का अर्थ क्या होता है? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू वन तो क्या है, लीनियरली हम उसको ऐड कर रहे हैं ना, तो लीनियर अलजेब्रा मतलब एक एलिमेंट उठाए, एक एलिमेंट उठाए, दो वेक्टर होता है वो, और दोनों का स्केलर मल्टीप्लीकेशन करें और दोनों का सम करें, कुछ एक एलिमेंट आएगा, एक्चुअली वो ऐसा है कुछ। अगर दो एलिमेंट अगर उठाते हैं हम वेक्टर बोलो अल्फा और बीटा, और दो स्केलर ए एंड बी, जब भी हम वेक्टर स्पेस का बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस के अगर बात कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस इज डिफाइंड ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स, राइट?
वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमारा जो स्केलर होता है वो फील्ड होना चाहिए। फील्ड क्या होता है तो उसके बारे में अभी नहीं चर्चा होगी, उसके चर्चा होगी कब, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। अभी इसका यूज देखेंगे। ये कहने का मतलब ये होता है कि अल्फा बीटा अगर हमारा वेक्टर है और ए बी जो है हमारा स्केलर है, दीज टू ए एंड बी आर स्केलर्स, तो we define a alpha plus b beta। तो आप देखो a alpha जो कर रहे हैं ना एक डॉट है, यहाँ b beta कर रहे हैं डॉट है, ये क्या है प्लस है, दो ऑपरेटर है, एक हमारा डॉट है और एक जो हमारा प्लस है। लीनियर अलजेब्रा केस में हमेशा हम दो ऑपरेटर का बात करते हैं, ठीक है। तो कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हुआ है, यहाँ वेक्टर वो वेक्टर नहीं है जो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ते थे। यहाँ वेक्टर आपको एक मैट्रिक्स भी हो सकता है, एक इक्वेशन भी हो सकता है, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। इट मे बी अ पॉलिनोमियल, इट मे बी अ सेट ऑफ मैट्रिसेस, इट मे बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इट मे बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। What we have to see, the certain vectors are forming a vector space or not, उसका क्राइटेरिया होगा। जैसे कोई वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं उसका क्राइटेरिया होगा। जैसे क्राइटेरिया क्या होगा वो थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्लस है, प्लस के साथ ये क्या बनाएगा, ये रिंग बनाएगा। बात सॉरी प्लस के साथ ही ग्रुप फॉर्म करेगा। ग्रुप क्या होता है, वन ऑपरेटर नहीं, ग्रुप एक स्ट्रक्चर है। इसमें ग्रुप कहने का मतलब है कि अगर उसमें ए बी सी डी ई अगर पांच एलिमेंट है तो ग्रुप फॉर्म करेगा, तो उसमें चार पांच प्रॉपर्टी होता है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे ए है और बी है, तो ए और बी अगर ए एंड बी बिलोंगिंग टू सेट, सेट एस एस राइट टू बी, तो देखना होगा कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी हमको सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है क्लोजर। क्लोजर मतलब ए बी अगर एस में बिलोंग करता है, ए स्टार बी बिलोंग विल हैव टू बिलोंग टू एस, दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। आफ्टर क्लोजर प्रॉपर्टी वी कैन सी चार प्रॉपर्टी है, एक क्लोजर हो गया, दूसरा होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। इसमें क्या है, थ्री स्केलर, स्केलर की बात ही अभी नहीं कर रहे हैं। वेक्टर्स जो भी है ग्रुप का, जो ग्रुप कोई फॉर्म कर रहे हैं उस सेट का तीन एलिमेंट है ए बी सी। तो अगर आप ऐसे ऑपरेट कर रहे हो, ए बी को पहले ऑपरेट करके फिर सी से ऑपरेट कर रहे हैं, विल बी सेम एज ए स्टार बी स्टार सी राइट। इफ वी शिफ्ट दिस ब्रैकेट नथिंग इज गोइंग टू चेंज, इफ इट विल चेंज देन इट विल नॉट All the condition of associativity, right? Associative ये होता है। फिर एक existence of identity आएगा, existence of identity। कहने का अर्थ ये है, identity element वो होगा जिसको किसी भी element से गुना करे, गुना in the sense multiply, in the sense it is a general operator. राइट, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ए, समझ रहे बात। ऐसा है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। अगर आइडेंटिटी हमको निकल जाता है फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात कर लेंगे। आइडेंटिटी है तो एग्जिस्टेंस ऑफ क्या करेंगे, इनवर्स का बात करेंगे। इनवर्स चौथा, ये इनवर्स आएगा है ना।
इनवर्स चौथा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी इनवर्स में कहना है कि अगर ए का अगर आइडेंटिटी हमें मिल गया बी है तो कोई भी एलिमेंट ए होगा तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स बी दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी बी, जो बी इज आवर आइडेंटिटी आइडेंटिटी, ठीक है। तो हमारा जो वेक्टर्स जो फॉर्म कर रहा है और जो एलिमेंट्स है सेट एस का वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब ग्रुप कैसे होगा, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट क्लोजर लॉ, सेकेंड एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आप सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स समझ आ रहा है ना बात, जेड, तो जेड में क्या क्या होता है, डॉट डॉट माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू जीरो, फिर आएगा वन टू थ्री है ना, फिर आएगा ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये समझ में आ रही है बात। तो सेट ऑफ ये इंटीजर्स हो गया जेड। तो अगर आप देखो क्लोजर लॉ कहता है कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ और हम अपने यहाँ पे जो ऑपरेशन है उसको प्लस डिफाइन करते हैं, प्लस इज आवर यूजुअल एडिशन जो होगा वही हमारा यहाँ पे ऑपरेटर है। तो क्लोजर लॉ यहाँ सेटिस्फाई हो गया, कोई भी आप इंटीजर को किसी भी इंटीजर से जोड़ो तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा है ना। तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिविटी क्या है, कोई भी मतलब माइनस टू माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फाइव है, इट विल बी सेम एज माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव, एनी डिफरेंस, नो डिफरेंस विल बी देयर, राइट ना। आपकी ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर लो तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एसोसिएटिविटी हमारा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी। आप उस सेट के अंदर देखो आइडेंटिटी कैसे डिफाइन किया, किसी भी एलिमेंट को उससे ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट आ रहा है। तो कोई भी एलिमेंट अगर पांच है, पांच को ऑपरेट करना है जीरो से, जीरो प्लस पांच बराबर माइनस पांच, माइनस पांच ही आएगा है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हमारा क्या है, आइडेंटिटी भी है। इनवर्स क्या होगा, किसी एलिमेंट को अगले एलिमेंट से जोड़ दे तो आइडेंटिटी आ जाए, तो माइनस पांच प्लस पांच बराबर जीरो, यहां तक क्लियर है। अब यहां से खेल शुरू होगा, जब हम ये डिफाइन कर दिए वेक्टर स्पेस कि एक एक जो हमारा एक जो ऑपरेटर है उससे वो ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, एक ऑपरेटर है डॉट उससे ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा, दूसरे ऑपरेटर से क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, इसमें नहीं करता है। लेकिन एक दो प्रॉपर्टी है, जैसे देखिए होता है कि अगर ए बिलोंगिंग कर रहा है फील्ड से, अल्फा बिलोंगिंग कर रहा है वेक्टर से, तो ए अल्फा बिलोंग करेगा किससे, बी से, बी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एफ क्या है, फील्ड, हाँ एफ है फील्ड है, वी वेक्टर स्पेस सॉरी वेक्टर है। तो ए अल्फा जो है, अल्फा इज बिलोंग टू वेक्टर, देन ए मस्ट बिलोंग टू वेक्टर, कैसे होगा देखते हैं, ये लिख लिया। अब जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं रियल नंबर्स डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर्स आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, रियल नंबर क्या क्या होता है, एक दो तीन चार पाँच है ना, ये तो इंटीजर हो गया, फिर नेचुरल नंबर हो इंटीजर भी ले लो उसमें माइनस भी लगा दो और क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ए ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा। तो रियल डिफाइंड ऑन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाता है, अब कैसे बनाता है फील्ड वो बात की बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाएगा रियल
set of reals defined over the field of complex. Complex का form क्या होता है? A plus IB होता है. Real का form क्या होता है? कुछ होगा ये होगा? तो हमारा vector space क्या कहता है? Vector space अगर होगा, तो अगर अगर A belong कर रहा है vector के और sorry A belong कर रहा है field के और alpha belong कर रहा है vector के, तो A alpha कहाँ जाना चाहिए? Vector पे जाना चाहिए. तो आप देख लो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib है, उसको किसी भी रियल से मल्टीप्लाई करो, अगर ऑपरेशन अपना ये डॉट करते हैं मल्टीप्लाई यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, तो अगर इसको गुना करते हैं, मान लो 5 है, 5 क्या है? रियल नंबर है ना, 5 इज अ रियल नंबर और नॉट या 5 इज अ नेचुरल नंबर, इट इज अ रियल नंबर. Then when we multiply 5 by 3 plus 2i, what will it will give? 15 plus 10i. Is 15 plus 10i a real number? No, imagine. Not at all. It is a complex number. So our the product A alpha is not going to belong to set of vectors. This is doesn't belong to set of reals. इसका मतलब क्या है? RC can never be a real. RC can never form a vector space. एक ही condition violate कर दिया. RC will never form a vector space. अब देखते हैं कि can CR form a vector space? Can CR form a vector space? ये नहीं समझ में आएगा RC और CR क्या है? क्वेश्चन में पूरा रहेगा कि RC और CR, RC CR. CR का मतलब क्या है? Field over real, field defined over the real number. Complex set of complex defined on the set of reals. अच्छा. ऐसे कभी भी लिखा रहेगा C और ब्रैकेट में सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रियल्स. रियल डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स. पहला क्या है? C है ना. हाँ. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिफाइंड ओवर सेट ऑफ फील्ड ऑफ रियल्स. तो रियल मान लीजिए आप A बिलोंगिंग टू फील्ड है, अल्फा बिलोंगिंग टू वेक्टर. यहाँ देखिए रियल क्या होगा? 5 होगा. तो 3 प्लस 2i से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बिलोंग, दिस वेक्टर a alpha इज गोइंग टू बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स C. एक कंडीशन से सेटिस्फाई कर गया. इस तरह से हम लोग वेक्टर स्पेस देख सकते हैं कि कैसा कैसा वेक्टर स्पेस ये होड है कि नहीं है ना, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ये क्लियर हो गया? क्या किए डॉट के रिस्पेक्ट में? हम क्या किए? पूरा का पूरा उसको ग्रुप दिखाए हैं, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्रुप नहीं होता है. वो भी सकता है, लेकिन यूजुअली कोई मतलब नहीं है. प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्रुप नहीं भी हो सकता है, लेकिन ए अल्फा जो है, जहाँ ए बिलोंग टू फील्ड है, अल्फा बिलोंग टू बी है, ए अल्फा विल बिलोंग टू व्हाट? सी. तो वेक्टर स्पेस का थोड़ा समझ आया, वेक्टर स्पेस कैसे होता है? दो दो दो, इसका दो दो ऑपरेटर है. एक ऑपरेटर नहीं है, दो ऑपरेटर. डॉट एक प्लस. हाँ, डॉट और प्लस वही माइनस में भी हो सकता है. अगर ए में वो हम बाद में सबको कनेक्ट कर देंगे. अच्छा ठीक. आई विल कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग. तो उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर सब स्पेस का. वेक्टर सब स्पेस जैसे ग्रुप देखते हैं, ग्रुप देखते हैं ना. ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए. क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनवर्स. सेम वे वेक्टर स्पेस का, उससे ग्रुप से आप देखो. वेक्टर सब स्पेस को सब ग्रुप से देखो. सब ग्रुप का एक कंडीशन रहता था, जब ए बी बिलोंगिंग टू ग्रुप है. सब ग्रुप का कंडीशन क्या होता था? A एंड B बिलोंगिंग टू ग्रुप है, तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग?
ए बी इनवर्स जो है सो बिलोंग टू करना चाहिए वो एस में, तब बोलेंगे सॉरी जब ए बी बिलोंगिंग टू एस है, कोई सेट एस है, इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एस, देन वी विल कॉल दिस एस एज द सब ग्रुप ऑफ जी। सेम वे इसका डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन के लिए सब क्लास नहीं है, सब क्लास है एकदम इंस्टेंट आपको मटेरियल मिले, ठीक है। तो उसी तरह करते हैं, अल्फा बीटा अगर बिलोंगिंग टू वेक्टर है, अल्फा बीटा गामा जीटा ऐसे हम करेंगे वेक्टर का, ए बी सी जो है तो क्या है फील्ड ऑफ स्केलर्स है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा शुड बिलोंग टू एस to form S as a vector of space of V, है ना? तो vector space को denote कैसे करते हैं? Vector space को हमेशा denote करेंगे V over the field of F, VF दिखाते हैं। Books में आप देखेंगे तो VF लिखा होगा। Vector space, vector space है ये। वो मैं बोलना भूल गया था। Vector space का जो denote है, कैसे denote करेंगे? V और F है। यही नहीं समझ में आता VF क्या लिखा हुआ है? कोई short form नहीं लिखा है। ये लिखा है वेक्टर स्पेस सेट ऑफ वेक्टर्स डिफाइंड ओवर द फील्ड ऑफ स्केलर्स, एफ है क्या है फील्ड है वो। सेम वे वो जो कि ये था आरसी विल नॉट फॉर्म अ वेक्टर स्पेस बट सीआर मे फॉर्म अ वेक्टर स्पेस, इनफैक्ट सीआर इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये समझ आ गई बात, वेक्टर सब स्पेस क्या है? वेक्टर सब स्पेस के लिए यही कंडीशन हमेशा यूज करेंगे, A alpha plus B beta will belong to S, और जहाँ पर S क्या है subset of vector space है, जहाँ पर S क्या है S is the subset, ऐसे होता है subset का जो denote करते हैं S subset it may or may not be equal to vector space, छोटा है उससे, समझ आ रही बात? अब क्या करना है, अब हम वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिए, वेक्टर सब स्पेस डिफाइन कर दिए, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर डिपेंडेंट ये क्या है। वो जो बात करते हैं ना लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्पैन, वो सब ऐसे एकदम क्रम से चलना है क्रोनोलॉजी वाइज। वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, राइट? अप टू this we have done, and in next class we will see vector space में जो होगा linear dependent, linear independent, basis, इससे पहले span आएगा, फिर basis, dimension, rank, थोड़ा सा matrix का ज्ञान लेंगे, ठीक है?